वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है हम शुरू करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, मैंने कल के लेक्चर में कुछ होमवर्क दिया था आपको। वो होमवर्क अगर आपका हुआ होगा तो उसके आंसर्स मुझे इस लेक्चर के एंड में आप बताइएगा। आज हम एक नया टॉपिक, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स तक हमने जो डिस्कस किया था वो इट वाज ऑन मीन, ओके, अरिथमेटिक मीन। ओके, अरिथमेटिक मीन क्या होता है एंड व्हाट आर दी वेरियस फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन। आज हम शुरुआत करने वाले हैं नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, जिसे हम कहते हैं कि मीडियन। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ मीडियन। आई विल जस्ट गिव हेडिंग। मीडियन, okay, what is meaning of median? Median एक जैसा arithmetic mean हमने सीखा, वैसे ही median is also a measure of central tendency। और median का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो बीच में है, दो values के बीच में है। okay, दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के या दो जो डेटा सेट होगा उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंडिंग पॉइंट होगा उसके बीच में जो वैल्यू रहेगी उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, मीडियन है। अरिथमेटिक मीन और मीडियन में फ़र्क क्या है? फिर आप कहोगे कि सर अरिथमेटिक मीन भी तो वही था, जो बीच सेंट्रल वैल्यू है वही कैलकुलेट करते थे। लेकिन अरिथमेटिक मीन में जो सेंट्रल वैल्यू होती थी वो एक्सट्रीम की जो वैल्यूज़ होती थी, जो शुरुआत की वैल्यू होती थी और जो एंड की वैल्यू होती थी, उस पर डिपेंड करता था कि बीच में आपका क्या वैल्यू आएगा। जैसे कि अगर आपका स्टार्टिंग वैल्यू 1 है और एंडिंग वैल्यू 100 है तो बीच में की वैल्यू आपकी 50 के आसपास आएगी अरिथमेटिक मीन में। लेकिन मीडियन में वैसा नहीं होता। मीडियन में हम वैल्यू के जो वैल्यू की जो साइज़ होती है वो नहीं कंसिडर करते, वैल्यू की पोजीशन को कंसिडर करते। मतलब कैसा होता है कि अगर एक ऐसा एक लाइन है, अगर ओके, इसमें अगर लेट अस से कि यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है, तो मीडियन जो है वो यहाँ पे कहीं पे आएगा। और कैसा आएगा? वैल्यूज़ पे आएगा, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवा। अभी इसमें सात वैल्यूज़ के बीच में कौन सा वैल्यू है? ये है। ओके, यहाँ पे इसका ये जो फिगर है ये फोर्थ वैल्यू जो है, फोर्थ वैल्यू कहते हैं। अब इसका ये कितना नंबर है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है मीडियन में। ओके, मीडियन में हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो है वो कंसिडर नहीं करते। कुछ सम्स हम लोग जब करेंगे तब आपको ये मीडियन और मीन का डिफरेंस जो है वो समझ में आएगा। डायरेक्टली हम लोग अभी जो है वो कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे आते हैं। मीडियन का पहले तो फॉर्मूला लिख लो। काफ़ी छोटा सा सब्जेक्ट है मीडियन, काफ़ी इजी है। एग्जामिनेशंस में सिर्फ मीडियन पे कैलकुलेशन कभी नहीं आएगा आपको। आपको आइदर मीडियन के साथ मोड कैलकुलेट करना है या मीन, मीडियन, मोड, तीनों चीज़ें कैलकुलेट करना है। इस तरीके के ही कैलकुलेशन जो आपको आने वाले हैं। ओके, सो मीडियन का फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है? तो मीडियन के लिए दो फार्मूलाज होते हैं अलग अलग। ओके, जब आप मीडियन का कैलकुलेशन करते हो तो दो फार्मूलाज होते हैं। पहला फार्मूला है n प्लस 1 अपॉन 2, और सेकंड जो फार्मूला है वो है n डिवाइडेड बाय 2। ओके, एक फार्मूला है n प्लस 1 अपॉन 2 और सेकंड जो फार्मूला है वो है n अपॉन 2। अब कौन से सिचुएशन में कौन सा फार्मूला यूज़ करना है ये भी हम लोग एक डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है ये पहला फार्मूला है और ये जो है ये दूसरा फार्मूला है। मीडियन के दोनों फार्मूलास
कब यूज़ करना है, कब ये वाला फार्मूला यूज़ करना है और कब एन बाई टू वाला फार्मूला यूज़ करना है, ये डिस्कस करते हैं पहले। तो ये जो पहला फार्मूला हमने सीखा एन जस्ट अ सेकेंड एन प्लस वन अपॉन टू वाला जो फार्मूला हमने सीखा, ये फार्मूला हमेशा जो आपकी इंडिविजुअल सीरीज होगी, इंडिविजुअल सीरीज या तो फिर आपकी जो डिस्क्रीट सीरीज होगी। ओके, कौन सी दो टाइप की सीरीज में ये फॉर्मूला यूज करना है? अगर आपके सम में इंडिविजुअल सीरीज दी गई है या डिस्क्रीट सीरीज दी गई है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे मीडियन कैलकुलेशन के लिए? एन प्लस वन अपॉन टू। लेकिन अगर आपके सम में आपको जो सीरीज दी गई है वो कंटिन्यूस सीरीज दी गई है, ओके, अगर आपको कंटिन्यूस सीरीज दी गई है तो आपका फार्मूला जो है वो चेंज हो जाता है। आप जो फार्मूला यूज़ करोगे वो यूज़ करोगे एन डिवाइडेड बाय टू। ये किसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग? कंटिन्यूस सीरीज के लिए। कंटिन्यूस सीरीज या ऐसी सीरीज जिसमें आपको क्या आता है, क्लास इंटरवल आता है, क्लास इंटरवल। ओके, तो जो कंटिन्यूस सीरीज होती है उसमें आपको मीडियन का पोजीशन एन डिवाइडेड बाय टू इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करना है, और जो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज होती है यहाँ पे आपको मीडियन का पोजीशन जो है वो एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जब कंटिन्यूस सीरीज हम लोग डिस्कस करेंगे तो एक और फार्मूला आता है, मेजर फार्मूला आता है जिससे हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं, वो सिर्फ अभी लिख लेना है, जब हम सम सॉल्व करेंगे एट दैट टाइम मैं उसको आपको डिटेल में समझाऊंगा, अभी जस्ट लिख लेना, यहाँ पे जगह है और एक ही साथ सभी फार्मूलाज लिखे जाने चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मीडियन कैलकुलेशन का कंटिन्यूस सीरीज में एक जो फार्मूला होता है वो होता है एल प्लस एन डिवाइडेड बाय टू, जस्ट अ सेकेंड, एल प्लस एन डिवाइडेड बाय टू माइनस सी एफ अपॉन फ्रीक्वेंसी एफ मल्टीप्लाइड बाय, ये पूरा के पूरा ब्रैकेट है एक, मल्टीप्लाइड बाय आई स्मॉल आई। ओके, अब इसका क्या मतलब होगा ये जब हम कंटिन्यूस सीरीज डिस्कस करेंगे उस वक्त में पढ़ा होगा, एक साथ सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। ओके, सो सबसे पहले तो आप ये जितना भी हम लोगों ने लिखा है मीडियन, मीडियन के दो फार्मूलास और कौन से फार्मूलास कौन से सिचुएशन में आप यूज़ करोगे वो जल्दी से आपकी बुक्स में लिख लीजिए। वंस आपका लिख के हो चुका मुझे वैसे आप चैट विंडो में बताइए, हम आगे बढ़ेंगे। ये अच्छे से लिख लो, हो चुका सभी का लिख के? ओके, सब आगे बढ़ते हैं। ये हम लिख क्यों रहे हैं? क्योंकि देखो स्टैटिस्टिक्स में वैसे भी ज़्यादा कुछ ऐसा राइटिंग पार्ट या थ्योरेटिकल पार्ट नहीं रहता, और अगर आप फार्मूलाज लिख के निकालते हो तो आपको जो फार्मूलाज है वो अच्छे से याद रहते हैं। इसके लिए हम लोग फार्मूलाज लिख रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा हमको सिलेबस कम्प्लीट करने में, हम एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेंगे, लेकिन एकदम अच्छे से पक्का हमारा जो स्टैटिस्टिक्स होगा वो अच्छे से होगा आपका। अब मीडियन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कुछ ज़रूरी बातें आपको याद रखनी होती है। ओके, जब भी आप मीडियन कैलकुलेट करते हो तब कुछ ज़रूरी बातें आपको याद रखनी होती है, एक एक करके वो देखते हैं हम लोग क्या। यहाँ पे आपको एक नोट लिखना है या आप ऐसा लिख सकते हो कि जब भी आप मीडियन कैलकुलेट करते हो, ओके, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि जो आपका डेटा होना चाहिए इट मस्ट बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। सम में आपको जो भी डेटा दिया होगा उस डेटा को आपको कैसे अरेंज करना है, तो उसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर समझ में आता है?
अच्छा, अगर आपको मेरा स्क्रीन क्लियर नहीं नज़र आ रहा है बेटा, तो इट इज़ एन इशू विथ योर इंटरनेट कनेक्शन। आप आपका जो यूट्यूब का सेटिंग है वो आपका 144p पे होगा। यू जस्ट इंक्रीज इट टू 360। अगर आप 360 पे आ जाओगे तो आपको क्लियर दिखेगा। बाकी लोगों को मेरा स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? बाकी लोगों को मेरा स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? मेरे ऐसे इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल था हमारा नेट में प्रॉब्लम, आज बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है नेट में। आप आपका सेटिंग जो है वो बढ़ाइए। ओके, आप जो आपका सेटिंग है यूट्यूब का, जो सेटिंग है वो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। उसको आप 360p पे रखिए तो आपको वो क्लियरली दिखेगा स्क्रीन मेरा। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग कि मीडियन के सम्स जब भी आप सॉल्व करते हो तो आपका डेटा कैसा होना चाहिए। इट शुड बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेटा मस्ट, कैपिटल में लिखूंगा मैं, मस्ट मतलब कंपलसरी है, इसके बिना आपका समी गलत हो जाएगा। मस्ट बी अरेंज्ड इन कौन से ऑर्डर में? तो असेंडिंग ऑर्डर। ओके, डेटा आपका कैसा अरेंज होना चाहिए? डेटा शुड ऑलवेज बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। दिस अरेंजमेंट, दिस अरेंजमेंट इज मेनली नीडेड इन इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी सीरीज में ये अरेंजमेंट स्पेशली इंपॉर्टेंट है? जब आपको आपका डेटा इंडिविजुअल सीरीज में दिया होगा। इंडिविजुअल सीरीज समझता है ना आपको? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, इन तीन तरीकों में आपको डेटा दिया हो सकता है। तो जब आपको इंडिविजुअल सीरीज में डेटा दिया होगा तब ये बात का स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, सभी आपके फॉर्मूलाज लिख के हो गए हैं। ये जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे कहना था ये भी हमारा लिख के हो चुका है। अब सीधा हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल पे जाते हैं। वी विल स्टार्ट विथ एन स्मॉल एग्जाम्पल। यहाँ तक किसी को, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सभी को अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ पे। तो वी विल बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर वन। ओके, मीडियन पे क्वेश्चन नंबर वन। अब एक सिंपल सा सम लेते हैं। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ एक्स। एक्स इज इक्वल टू 5, 6, 10, फिर 8, फिर 15, 2, 3, 7 एंड 19। ओके, ये किस तरीके की सीरीज़ दी मैंने आपको? ये किस तरीके की सीरीज़ है जल्दी से बताओ? ये इंडिविजुअल सीरीज़ है। ओके, ये कैसी सीरीज़ है? इंडिविजुअल सीरीज। क्या ये सीरीज़ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दी गई है सब में आपको? नहीं, ये सीरीज़ आपको असेंडिंग ऑर्डर में दी गई है क्या? नो, इट इज़ अ नॉर्मल सीरीज़। आपको अभी इसको पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लेते हैं। फाइंड मीडियन, फाइंड मीडियन। ओके, 5, 6, 10, 8, 15, 20, 2, 3, 7, 19, फाइंड मीडियन। ओके, तो आंसर लिखते हैं। सबसे पहले हम आंसर में क्या लिखेंगे? तो मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है मीडियन का? अब ये देखो, ये कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज है। तो इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए हमको कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? देखो ऊपर रेफ़र करो, मैंने आपको दो फार्मूलाज लिखा है।
तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन टू वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक इंडिविजुअल सीरीज है। ओके, ये एक क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, एन प्लस वन अपॉन टू, ये डेटा हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यूज़ करने से पहले जो आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ है उसे आपको प्रॉपरली अरेंज करना है। ओके, उसे आपको प्रॉपरली अरेंज करना है। तो पहले तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं पहले, फिर हम सम सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आएगा टू, उसके बाद आएगा थ्री, उसके बाद आएगा फाइव आएगा, फिर आएगा सिक्स, फिर सेवन, एट, टेन, देन फिफ्टीन आएगा, फिर नाइनटीन आएगा और ट्वेंटी आएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ओके, दस जो हमारे सीरीज़ है, टेन सीरीज़ इंडिविजुअल, इसको हमने अरेंज कर दिया। अब फार्मूला यूज़ कीजिए। फार्मूला अगर आप यूज़ करेंगे, एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, एन क्या है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 10 है, एन प्लस वन अपॉन टू, मतलब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशंस है, 10 प्लस वन अपॉन टू। ओके, मतलब 11 अपॉन टू, मतलब 5.5 टर्म। ठीक है, ये वैल्यू नहीं है, ये जो मीडियन हमने निकाला है ना, ये वैल्यू नहीं है, 5.5, इट इज़ नॉट अ वैल्यू, इट इज़ अ टर्म। ओके, कि कौन से नंबर पे मीडियन आएगा, तो 5.5वें नंबर पे मीडियन आएगा। अभी 5.5वां नंबर तो यहाँ पे है नहीं, 5वां नंबर है और 6वां नंबर है। ओके, 5वां नंबर है और 6वां नंबर है। 5वां नंबर कौन सा है यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ नंबर है। सिक्स्थ नंबर कौन सा है, ये है सिक्स्थ नंबर है। ओके, तो इन दोनों के बीच में का कुछ तो भी नंबर होगा मीडियन। ओके, तो इन दोनों के बीच में का फिगर कैसे निकालेंगे आप, एवरेज निकालेंगे। 7 + 8 / 2, 7 + 8 कितना होता है, 7 + 8 कितना होता है, 15, 15 / 2, 7.5। तो मीडियन क्या है, मीडियन है 7.5। ओके, मीडियन क्या है, 7.5। समझ में आया आपको, इज इट क्लियर? ठीक है, ये जल्दी से लिखो, अगर लिखना बाकी होगा तो जल्दी से लिखो इसको। मैं आपकी अटेंडेंस देखता हूँ तब तक। जस्ट अ सेकेंड, आपकी अटेंडेंस में निकाल रहा हूँ। किसी को कोई डाउट होगा तो तब तक आप पूछ सकते हो यहाँ पे चैट विंडो पे, जब तक आपकी अटेंडेंस ओपन होती है। अटेंडेंस मैंने आपके चैट विंडो में पुट अप करी है, इट विल कम।
यस अटेंडेंस हैज कम, क्लिक ऑन द लिंक इन द चैट विंडो और आपका जो अटेंडेंस है आज का वो रिकॉर्ड कीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस आपके अटेंडेंसेस जो है वो आने शुरू हो चुके हैं, एक दो मिनट और रुकेंगे हम लोग, सबके अटेंडेंस आने दीजिए, उसके बाद हम फिर से हमारा लेक्चर जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपके अटेंडेंसेस जो है वो मेरे पास आ चुकी है, अब फिर से हमारा जो लेक्चर है वो हम कंटिन्यू करेंगे। हर्षाली आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अटेंडेंस क्यों नहीं लग रही बेटा आपकी? डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है, जो लिंक दिया है मैंने उसको क्लिक करना है। ओके, जब भी आप अटेंडेंस क्लिक करते हो तो मेरे नाम के आगे क्लिक नहीं करना, वीडियो पर भी क्लिक नहीं करना, आपका फुल स्क्रीन बंद करना है और नीचे जो चैट विंडो आती है वहाँ पे आपको जाके जो लिंक दिए मैंने चैट विंडो में उसको क्लिक करके आपका अटेंडेंस जो है वो रिकॉर्ड करना है। ओके, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कोई भी किसी को भी। ओके, सो वी विल कंटिन्यू विथ आवर लेक्चर। अटेंडेंस सभी ने रिकॉर्ड करनी है, आज की अटेंडेंस सभी ने रिकॉर्ड करनी है, आपकी अटेंडेंस इंपॉर्टेंट होती है बहुत। अब ये जो हमने कैलकुलेट किया मीडियन 7.5 निकाला, ये था इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए निकाला हुआ मीडियन। ओके, अब थोड़ा सा एक सम आपको मैं इसके प्रैक्टिस के लिए देता हूँ इंडिविजुअल सीरीज़ का और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जस्ट टेक दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, sorry, not 9, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 15 and 19। ओके, पिछले जैसा ही है। हर्षाली वहाँ पे ब्लॉक और रिपोर्ट आपको आ रहा है, कुछ तो भी गलत कर रहे हो आप। ओके, ब्लॉक और रिपोर्ट नहीं आता, वो लिंक को क्लिक करो बराबर से लिंक ओपन होती है, नहीं तो ज़बरदस्ती का मुझे ब्लॉक और रिपोर्ट करोगे आप। ओके, ये सम देखिए, यहाँ पे 9 वैल्यूज़ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, 9 वैल्यूज़ है, 2 मिनट का काम है, जल्दी से आप मुझे यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट करके दीजिए कितना आता है। रुकता हूँ मैं, 2 मिनट में आप फटाफट कैलकुलेट करके बताइए चैट विंडो में कितना आता है मीडियन। करेक्ट, 7 इज़ द मीडियन। और किस किस को 7 आया? ऋतुजा, पीनल, दोनों का आंसर राइट है, 7th इज़ द मीडियन, करेक्ट। आकाश, वैशाली, वैष्णवी, खुशबू, ओके, वेरी गुड, सभी का 7 आ रहा है।
मतलब मीडियन जो है वो 7 आता है। कैसे करेंगे यहाँ पे, फिर से हमारा जैसा फार्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस 1 अपॉन 2, 9 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब फिफ्थ टर्म, ठीक है। पांचवी टर्म जो रहेगी, ये सीरीज़ जो है इसकी पांचवी टर्म जो रहेगी वो मीडियन रहेगी। तो पांचवी टर्म कौन सी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, मतलब मीडियन क्या है 7। ओके, मीडियन क्या है 7, समझ में आया मीडियन सभी को? सर ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, फ्री के मार्क्स है कि नहीं? तो इतना इजी नहीं है। अब ये जो था हमने इंडिविजुअल सीरीज सीखा, अब थोड़ा सा आगे आते हैं हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ डेटा जो है डिस्क्रीट सीरीज। ओके, तो डिस्क्रीट सीरीज, अब यहाँ पे मैं थोड़ा लिखा होगा आपको, जो मैं लिख रहा हूँ वही आपने लिखना है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या है। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज द पोजिशन ऑफ मीडियन, ओके, द पोजिशन ऑफ मीडियन, मीडियन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एन प्लस वन अपॉन टू, द पोजिशन ऑफ मीडियन कैन बी लोकेटेड, कैन बी लोकेटेड, कैसे लोकेट करोगे आप डिस्क्रीट सीरीज में, लोकेटेड थ्रू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी बहुत सारे लोगों ने ये वर्ड पहले सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा, डिपेंडिंग आपने मैथ्स पहले 11th 12th में लिया था या नहीं लिया था, उस पर डिपेंड करेगा कि आपने ये वर्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहीं पे सुना है या नहीं सुना। ओके, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और आगे लिखना है द करस्पॉन्डिंग वैल्यू एट दिस पोजिशन इज द वैल्यू ऑफ मीडियन। मीडियन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, डिस्क्रीट सीरीज में आपको क्या करना है, तो आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ओके, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करके जो भी वैल्यू आती है आपकी जिस पोजीशन पे, उस पोजीशन पे जो वैल्यू आती है वो वैल्यू रहेगी मीडियन की। ओके, ये कैसे सॉल्व करोगे, इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये लिख लो, अगर लिखना बाकी होगा तो आपका, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपका। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पर्संस एंड देयर इनकम इज गिवन, द एक सेकेंड, थोड़ा सा वी विल ट्राई समथिंग एल्स, बहुत छोटा हो जा रहा है ये, थोड़ा सा और इसका। द फ्रीक्वेंसी
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, ओके द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पर्सन एंड देयर इनकम्स एंड देयर इनकम्स इज गिवन is given, calculate the median. आपको median calculate करना है. ओके यहाँ पर अभी आपको दिया है income दिया है. ओके income दिया है आपको, कितना income है तो 10 income, फिर 20 income, फिर 30 है और 40 है. ओके इस तरीके से इनकम दिया है और नंबर ऑफ पर्सन्स है, या इतना बड़ा ना लिखते हुए जस्ट पर्सन लिखेंगे, कितने लोग हैं पर्सन, दस इनकम वाले कितने लोग हैं दो है, बीस इनकम वाले चार लोग हैं, तीस इनकम वाले दस लोग हैं और चालीस इनकम वाले चार लोग हैं. ओके इस तरीके का आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो दिया गया है. और क्या पूछा है आपको कि आपको क्या निकालना है, तो आपको मीडियन निकालना है. ओके यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, यू हैव टू कैलकुलेट मीडियन. ओके सम लिख लिया सभी ने, ओके सम लिख के हो गया. अब इनकम देन नंबर ऑफ पर्सन्स और उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके इनकम नंबर ऑफ पर्सन्स एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे आपको डेटा को जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में जो है इनकम को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे जो है देखिए डेटा असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है, तो आपको सिर्फ लिखना है 10 की इनकम वाले पर्सन, 20 की इनकम वाले पर्सन, 30 की इनकम वाले पर्सन और 40 की इनकम वाले पर्सन्स. कितने हैं, 10 की इनकम वाले पर्सन दो, 20 की इनकम वाले पर्सन चार, 30 की इनकम वाले पर्सन 10 और 40 की इनकम वाले पर्सन चार. ओके ये मैंने क्या किया, जो हमको इन्फॉर्मेशन ऊपर दी थी उस इन्फॉर्मेशन को जस्ट हमने कैसे लिखा है, तो टैबुलर फॉर्मेट में इसको मैंने लिख दिया है. ओके अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना. यहाँ पे तो 2 ही लिखे गए. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होती है कि यू विल ऑलवेज ऐड दिस एंड दिस अमाउंट. ओके अगली लाइन के लिए आप क्या करोगे, 2 प्लस 4 कितना होता है, 2 प्लस 4 6, तो यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे 6. वैसे ही 6 प्लस 10 कितना होता है, 6 प्लस 10 होता है 60, और 16 प्लस 4 कितना होता है, 16 प्लस 4 होता है 20. ओके इस तरीके से हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो है वो कैलकुलेट करते हैं. अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने बराबर से कैलकुलेट करी है या नहीं करी है वो देखने का एक तरीका क्या है कि इसकी टोटल ले रहा, आप नंबर ऑफ पर्सन की टोटल लो, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 10 16, 16 प्लस 4 20. ओके तो ये जो टोटल होगी और ये जो टोटल होगी ये सेम आएगी, और अगर ये सेम आती है इसका मतलब है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो आपने करेक्टली कैलकुलेट करी है. ओके जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपने अच्छे से कैलकुलेट की है, करेक्टली आपने उसको कैलकुलेट जो है वो किया है. ओके अच्छा यहाँ तक आपको समझ में आया व्हाट आई एम सेइंग, किसी को कोई डाउट? ओके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई 20. ओके 2 6 16 20. अब आगे देखो, मीडियन निकालना है अपने को. व्हाट वी हैव टू फाइंड, मीडियन डिस्क्रीट सीरीज के लिए. ओके डिस्क्रीट सीरीज के लिए. हर्षल क्या नहीं समझा बेटा आपको इसमें, हर्षल अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो, मैं रुकता हूँ 2 मिनट.
कोई क्वेश्चन नहीं अर्शल? ओके, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमारा जो फॉर्मूला था डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू। ओके, मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू। यहाँ पे एन क्या है? तो 20 है। नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? 20 है। तो 20 प्लस वन अपॉन टू मतलब 11.5। ओके, 11.5th टर्म जो होगी वो ये जो सीरीज है इनकम की सीरीज, इसमें कहाँ पे होगी, कौन से पोजीशन पे होगी? देखो ये जो सीरीज है 20 के इनकम वाले लोग जो है वो 6 तक है, 6 के नीचे जितने भी लोग हैं उनका 20 या 20 से कम का इनकम, ठीक है। 30 की इनकम वाले लोग जो है वो 16 तक है, मतलब 16 से 6 के बीच में जितने भी लोग होंगे उनकी 30 की इनकम होगी। ओके, 16 से 6 की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के बीच में जितने भी लोग होंगे उनकी इनकम कितनी होगी? 30। ओके, अभी हमारा वैल्यू कितना आया है? 11.5। तो 11.5 कौन सी सीरीज में बैठ रहा है यहाँ पे? 11.5 देखो कौन सी सीरीज में बैठ रहा है, तो वो इस सीरीज में बैठ रहा है। ओके, कौन सी सीरीज में बैठ रहा है? इस सीरीज में बैठ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको अलग कलर के पेन से इसको सर्कल कर दूंगा। ओके, कौन सी सीरीज में बैठ रहा है ये? ओके, 11.5 नहीं आएगा, 10.5 आएगा। ओके, इट विल नॉट बी 11.5, करेक्ट है आपका, 10.5 आएगा। 10.5 भी है तो करेक्ट है, 11.5 इज़ माई मिस्टेक, इट विल कम आउट 10.5। लेकिन 10.5 भी कौन सी क्लास में आ रहा है? तो इसी क्लास में आ रहा है। ओके, इट्स कमिंग इन दिस क्लास। तो यहाँ पे आपका मीडियन क्या कहेगा? आप मीडियन किसे कहोगे? मीडियन इनकम। ओके, हमको इनकम निकालनी है, तो मीडियन इनकम कितनी है? 30। ओके, मतलब सेंट्रल इनकम है, मीडियन इनकम है 30। समझ में आया? डिस्क्रीट वैल्यूज से आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। किसी को कोई डाउट्स यहाँ तक? एनी डाउट्स? आगे बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब ये हो गया हमारा डिस्क्रीट सीरीज। ओके, इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे? लास्ट जो है हमारा जो है वो कंटिन्यूस सीरीज। ओके, लास्ट जो कंसेप्ट है हमारा वो है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज। ओके, कंटिन्यूस सीरीज के लिए एक सम ले लेना है आपने। शॉर्ट में जल्दी से सम कराता हूं मैं आपको। एक्स मतलब फ्रीक्वेंसीज है एक्स, फिर उसके बाद आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है। ज़ीरो से टेन, फिर टेन से ट्वेंटी, ट्वेंटी से थर्टी, थर्टी से फोर्टी, फोर्टी से फिफ्टी एंड फिफ्टी से सिक्सटी। ओके, ये क्या है? सीरीज है। यहाँ पे सीरीज कैसी है? लेकिन ये कंटिन्यूस सीरीज है। ओके, इनके अभी फ्रीक्वेंसीज भी देख लेते हैं, क्या है इनकी फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसीज में आइए, फ्रीक्वेंसी है इसकी 5,
देन 10, देन 12, इसके बाद 15, इसके बाद 18, नेक्स्ट 10। अच्छा, इसका टोटल ले लेना है कितना आता है, इसका टोटल जल्दी से इसका टोटल लो, फ्रीक्वेंसी इसका टोटल लो कितना आता है, और बताओ मुझे चैट विंडो में जल्दी से। कितना आ रहा है टोटल? 5 + 10 + 12 + 15 + 18 + 10, 70, करेक्ट? ओके, 70 आ रहा है टोटल। अब आगे बढ़ते हैं, 65 किसका आ रहा है, बराबर से कैलकुलेट करो, इट विल कम टू 70। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज बताइए मुझे, इसका रहेगा 5, 5 + 10 = 15, ओके 5 + 10 = 15, देन 15 + 12 = 27, 27 + 15 = 27, 37, 37 + 5 = 42, 42 + 18 इट विल बी अगेन 60, 42 + 18 = 60, और 60 + 10 = 70, ओके ये 70 आ रहा है, ओके 70 और 70 जो है वो मैच कर रहे हैं, ओके 70 एंड 70 मैच कर रहे हैं, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो है वो हमारी बराबर है। यहाँ तक लिख लिया आपने? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? तो आगे बढ़ते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करनी होती है, एग्जाम में आपको सिर्फ सीरीज़ दी जाएगी और फ्रीक्वेंसीज दी जाएगी, आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले कैलकुलेट करनी होती है। एक बार आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो चुका, उसके बाद आपको जो हमारा सम है वो सम शुरू करना है, ओके जो हमारा सम होगा वो सम शुरू करेंगे। मीडियन का यहाँ पे फॉर्मूला है, मीडियन का फॉर्मूला आएगा एन डिवाइडेड बाय टू, एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू नहीं, एन डिवाइडेड बाय टू, क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज़ है, ऊपर हमने लिखा है कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए फार्मूला क्या होता है, एन डिवाइडेड बाय टू। सो एन डिवाइडेड बाय टू मतलब 70 / 2, ओके 70 / 2 मतलब 35, ओके मीडियन आता है 35th टर्म, 35th टर्म जो रहेगी वो मीडियन रहेगी, ओके ठीक है, 35th टर्म जो रहेगी वो मीडियम रहेगी, ये तो क्लियर है। लेकिन 35th टर्म जो है वो कहाँ पे आएगी, वो कहीं पे भी आ सकती है, ये 27 से 42 इसके बीच में कहीं पे भी आ सकती है ये टर्म, ओके इट कैन कम एनीवेयर, ओके इट कैन कम एनीवेयर, मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे आएगी, 35th टर्म जो है वो 30 से 45 के बीच में आएगी, ओके क्योंकि ये सीरीज़ है, ओके 30 से 40 के बीच में ही आता है ना 35, तो 30 से 40 के बीच में 35th टर्म आएगी, और आंसर कुछ भी हो सकता है, 27 से 42 के बीच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका रेंज है 27 से 42, इन दोनों के बीच में। तो आप मीडियन टर्म यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे, इंडिविजुअल में तो बहुत ईजी था, डिस्क्रीट में भी ईजी था, लेकिन कंटिन्यूस में थोड़ा सा आपको फार्मूला का वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको, पहले तो हमारा जो मीडियन टर्म है या जो मीडियन क्लास है उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, इसको हम कहेंगे मीडियन क्लास, मतलब इस क्लास में कहीं पे तो भी मीडियन छुपा हुआ है, ओके 35 आपका मीडियन आया, और 35 जो है वो 30 से 40 के बीच में आता है, मतलब ये जो क्लास है ये हमारी क्या कहलाई जाएगी, इसको हम कहेंगे मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, ओके अब बिल्कुल ध्यान से आपने यहाँ पे देखना है किस तरीके से मैं इसके कैलकुलेशंस करता हूँ। सबसे पहले तो हमको जो फार्मूला था, सेकंड वाला फार्मूला जो मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में समझाऊंगा, वो फार्मूला लिख लेते हैं, एल प्लस एन डिवाइडेड बाय टू माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ें ब्रैकेट में और मल्टीप्लाइड बाय आई। अभी पहले इसका क्या मीनिंग होता है लेजेंड देख लेते हैं, एल का मतलब क्या होता है, ओके एल होता है लोअर लिमिट,
ऑफ मीडियन क्लास। पहले लिख लेते सब, उसके बाद में आपको समझाऊंगा। एन बाई टू तो आपने कैलकुलेट करके रखा है ऊपर, ये एन बाई टू कितना आ रहा है 35, ये तो ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है एन बाई टू। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ, ठीक है, सी एफ क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के पहले की जो क्लास होगी उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। उसके बाद एफ का क्या मीनिंग होता है, एफ इज फ्रीक्वेंसी, जस्ट अ सेकेंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और फाइनली आई का मतलब होता है, आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल या मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास, ओके, क्लास इंटरवल या मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास, ये लिख लिया अच्छे से। अब फॉर्मूला में हम ये वैल्यूज जो है वो एक एक करके पुटअप करेंगे, ओके। सबसे पहले आता है, एक बार फिर से फॉर्मूला लिख लेते हम लोग, एल प्लस एन डिवाइडेड बाय टू माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय आई, ओके। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कीजिए, एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ओके, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या है, 30-40, इसका लोअर लिमिट कौन सा है, 30 है, और अपर लिमिट कौन सा है, 40 है, ओके, तो लोअर लिमिट कौन सा है, 30 है, तो वी विल टेक 30 हियर, लोअर लिमिट एल 30 प्लस बड़ा सा ब्रैकेट बनाओगे, एन बाय टू कितना आया हमारा, एन बाय टू, एन बाय टू देखो ऊपर हमारा सॉल्व हुआ है, एन बाय टू है 35, ओके, एन बाय टू कितना है, 35 है, तो एन बाय टू लिख दिया यहाँ पे मैंने, 35 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ, माइनस सी एफ किस चीज़ का, सी एफ, सी एफ ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास के पहले की जो क्लास होगी उसका सी एफ, तो कितना आता है वो, ये रहा, ये मीडियन क्लास है, उसके पहले ऊपर की क्लास कौन सी है, 20-30, 20-30 का सी एफ कितना है, 27 है, ये है हमारा सी एफ, ओके, तो ये 27 में यहाँ पे लिखूंगा, 35 माइनस 27 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास क्या है, ये 30-40 मीडियन क्लास है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 15, है कि नहीं, ये देखो ये 15 फ्रीक्वेंसी है ये, ओके, सो आई विल राइट इट हियर, 15 इज द फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय क्लास इंटरवल, हर एक क्लास के बीच में इंटरवल कितना है, 10-10 का है, 10, 20, 20, 30, 30, 40, है कि नहीं, तो कितना इंटरवल है, 10-10 टर्म का इंटरवल है, तो आई रहेगा 10, करो इसको सॉल्व, कैलकुलेटर्स हो गए आपके पास, इसको करो सॉल्व और मुझे आंसर बताओ जल्दी से, कितना आता है मीडियन का वैल्यू, दो डिजिट्स तक बोलो आंसर, हर्षल आपका आंसर करेक्ट है लेकिन दो डिजिट्स तक बोलो, दो डेसिमल पॉइंट्स तक आंसर आना चाहिए आपका, थर्टी फाइव पॉइंट थ्री थ्री,
35.33। वैष्णवी आपको फिर से एक बार अगर देखना है बेटा तो ये मैं कल आपको समझाऊंगा, क्योंकि मेरा फिर से लेक्चर है। ये लेक्चर जो है ये मेरा लाइव स्ट्रीम सेव्ड रहता है, आप जितनी भी बार चाहो इसको देख सकते हो। ओके, तो जिन लोगों को फिर से ये समझना है उन्होंने ये वीडियो फिर से देखना है, यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाओ, यू सब्सक्राइब टू दैट चैनल, और ये सभी वीडियोज़ वहाँ पे पोस्टेड है, आप वहाँ पे जाके जितनी बार देखना चाहो आप देख सकते हो। ओके, तो 35.33 आंसर आना चाहिए। एक बार फिर से हम कल इस पर एक और सम सॉल्व करेंगे और ज़्यादा अच्छे से ये आपका क्लियर हो जाएगा। सभी का आंसर अगर 35.33 आ रहा है देख लो एक बार। आज अच्छा कवर हुआ हमारा, एक ही दिन में पूरा मीडियन ख़त्म हो गया। डायरेक्टली अभी हम लोग कल जो है वो मोड शुरू करेंगे। ओके, सो इट इज़ क्लियर, 35.33। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई फॉर्मूला अगर नहीं समझा तो आप मुझे पूछ सकते हो चैट विंडो में। अभी और 5 मिनट के लिए ये स्ट्रीम जो है ये ओपन रखूँगा, उसके बाद ये स्ट्रीम जो है मैं बंद कर दूँगा। किसी को कोई डाउट्स होगा तो पूछो। किसी को ये वीडियो अगर फिर से देखना है तो जैसे मैंने अभी भी कहा कि ये लेक्चर जो है ये सेव्ड रहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप जाइए वहाँ पर उसको सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी लेक्चर्स मैं पढ़ाता हूँ उसके सभी के वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। किसी को अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो आज का स्ट्रीम हम लोग यहीं पे रोकते हैं। ये लिख लिया सभी ने, सभी का ये लिख के हो गया। ओके, सो आज हम लोगों ने जो सीखा वो था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का सेकेंड कैलकुलेशन, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट मीडियन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभी हाउ टू कैलकुलेट मोड, मोड क्या होता है और मोड का किस तरीके से कैलकुलेशन होता है वो करेंगे। उसके पहले मुझे एक अलग टाइप का आपको सम देना है। अभी जैसे हमने मीडियन कैलकुलेट किया वैसे ही मीडियन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मिसिंग डेटा सीरीज़ होगी, कुछ सीरीज़ उसमें मिसिंग होगी, उस तरीके के सम्स किस तरह सॉल्व किए जा सकते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, और इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हो गए मीन मीडियन मोड के, ये भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जब हमारा मीन मीडियन मोड पूरा डिस्कस हो जाता है उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको घर के पे प्रैक्टिस के लिए दूंगा। कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको, वो होमवर्क आज ना चेक करते हुए कल हम जब स्टार्ट करेंगे, जब हमारा यूट्यूब का स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे, तब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप आपके आंसर्स जो है वो मेरे साथ शेयर करें। मैंने आपको एक अरिथमेटिक मीन के सम का होमवर्क दिया था, वो आप लोगों ने घर पे ही सॉल्व करना है। ओके, सो वी विल स्टॉप ओवर हियर, थैंक यू, एंड वी विल कंटिन्यू विथ आवर लेक्चर टुमारो।